हेलो गाइस, ये मेरा नाथ द्वारा जाते हुए का वीडियो है। मौसम बहुत अच्छा था और एज यूजुअल हमारा जो प्लान था वो यूजुअली सडन था। तो देखो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मैंने काफ़ी कोशिश की अच्छा से वीडियो लेने की, लेकिन मैं जितना ले पाई उतना शेयर करती हूँ। लास्ट में पिक्चर्स लगा दूँगी क्योंकि मैंने इन्जॉय किया। ये राजसमंद है, ठीक है, यहाँ पर भी खूब मस्ती की मैंने। फिर हम वापस निकल लिए नाथ द्वारा के लिए और पूरे रास्ते वापस बारिश ही बारिश हो रही थी। और कुछ क्लिप्स रिपीट हो सकती है बिकॉज मैं एडजस्ट अच्छे से कर नहीं पाई। एंड देन वहाँ पे देखो मैंने स्पा लिया, फिश स्पा। वहाँ पे लंच के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री था नाथद्वारा में, तो मैं मौका नहीं छोड़ना चाह रही थी। ये मेरी होटल का है, ये रूम है, इस रूम का मैंने शॉर्ट्स में बना के डाला हुआ है। ये होटल बहुत अच्छा है, बहुत ही रिजनेबल रेट पर। और अगर आप यहाँ पर पीछे वाला रूम लेते हो तो आपको नाइट में मूर्ति का व्यू भी दिखता है। देखो जैसा कि दिखा रही हूँ बहुत सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं सामने मूर्ति दिखेगी। और ये हाईवे रोड है, हाईवे पे ही है, तो त्रिनेत्र सर्कल से थोड़ा सा आगे की तरफ ही है, ठीक है। मैंने आई थिंक शॉर्ट्स में डाला हुआ है कि इसका नाम क्या था, आई थिंक कछावा समथिंग गुजराती टाइप का है। मुझे अभी इस वीडियो के वक्त वो याद नहीं आ रहा है कि मैं एग्जैक्टली इसका नेम क्या था, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा व्यू था हमारे रूम का। ये हमने खूब मस्ती की, टीवी में थोड़ा शूट कर रही थी, बड़ा अच्छे से जितना हो पाया मैंने लिया। और मैं इस गद्दे पे सोई थी, बाकी सब लोग बिस्तर पे थे। ये मेरी ड्रेस। और फिर फाइनली हम पहुंच गए मूर्ति देखने। ये मूर्ति मैं सेकंड टाइम वापस वहाँ पे गई हूँ, फर्स्ट टाइम में मैं वीडियो बना नहीं पाई थी तो मुझे टाइम मिला नहीं, ठीक है। ये नाइट का है जो बीच में आ गया है एकदम से, क्योंकि मैं अच्छे से एडिटिंग कर नहीं पाई हूँ। और ये हमने वहाँ पर ब्रेकफास्ट में डोसा खाया था, मुझे लाइट ब्रेकफास्ट ही पसंद है इसलिए। और ये मैं जब हम गए थे तब मैं आराम से पाँव ऊपर करके आराम से बैठी थी। ये बाहर का व्यू है। और उसके बाद जब हम मॉर्निंग में रेडी हो गए थे तो ये मेरी सुंदर सी फ़ोटो है बिकॉज मैंने लास्ट में फ़ोटोज़ लगा दी थी। और अब आपके साथ में जो आएगी वो मेरी फ़ोटोज़ ही है। ये भी पीछे वाला व्यू था जो हमने देखा। उसके बाद ये वहाँ पे जब आप एंटर होते हो तो फ्रंट गेट पर ये वाला व्यू रहेगा। बारिश थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना फ़ोटो सेशन हो जाए और थोड़ा सा भुट्टा भी खा लिया जाए, तो मैंने वो भी मौका नहीं छोड़ा। और फिर मैंने वहाँ पर खूब सारी रील्स बनाई। जैसे कि फ़ोटो में देख सकते हो मेरे बाल गीले हैं बिकॉज बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बट घूमने के शौकीन लोगों को कौन रोक सकता है, तो मैं भी रुकी नहीं, ठीक है। ये पिक्चर मैंने ज़बरदस्ती अपने भाई को बोला कि प्लीज़ क्लिक कर ले ताकि मुझे याद तो रहे कि हाँ मैं आई थी। ये मैं पूरी तरह भीग चुकी थी बट स्टिल फ़ोटो लवर कहीं पीछे नहीं रहते, ठीक है। ये बहुत ही सुंदर पार्क है, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी से बिलीव का जो गार्डन है वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और ये रैंडम क्लिक था जो मेरे भाई ने लिया। और उसके बाद वाली फ़ोटोज़ भी ये जब आप एंटर होते हो टिकट एंटर के लिए तब ये वहाँ की हैं। और ये रास्ते में हमने गाड़ी रोक दी थी, सोचा थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं, तो फिर हमने वहाँ पे इंजॉय किया। ये ऊपर का व्यू था, ऊपर इस बार मैं नहीं गई क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले जा चुकी थी तो बार बार जाना अच्छा नहीं लग रहा था। ये हम चारों और हमने कोशिश की मूर्ति के साथ फ़ोटो लेने की। और ये वापस हमारा रूम जो हम थक गए। और लास्ट में वापस शिवजी भगवान की मूर्ति। तो आप सबको हैप्पी सावन, सो एंजॉय, प्लीज़ विज़िट ज़रूर करना, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।